अरे रोहित यार, आज तो मुकाबला श्रीलंका से करो और मरो का है भाई। अगर आज हार गए तो हम तो भैया एशिया कप से ही बाहर हो जाएंगे। और भैया आज टीम थोड़ा सा सही से चयन करना, क्योंकि पिछली बार की टीम मेरे तो समझ में आ नहीं रही है। एक तो हमारे पास गेंदबाजों की थोड़ी सी पहले ही दिक्कत चल रही है, और भाई ऊपर से तो मैं ऐसे गेंदबाजों को खिला लेते हूँ। अरे वो भी तो आया है अपना, वो अक्षर पटेल, उसको भी देखो जरा ट्राई करके, वो बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, उसको भी मौका दो। और एक पंत वंत को भाई बाहर करो, ये टेस्ट वेस्ट में ही ठीक है अपना, इसने भैया कुछ भी नहीं किया यार, बेकार में खिला दिया। अरे दिनेश कार्तिक अच्छा बल्लेबाज है, उसको खिलाना चाहिए था। रोहित भाई आज सही ढंग से खिलाना, ये मैच हमको पाकिस्तान से भी तगड़ा पड़ रहा है, क्योंकि भाई पाकिस्तान से हारने के बाद हम बिल्कुल दिक्कत में आ गए। रोहित भाई टीम को बिल्कुल सही से भैया सेलेक्ट करना आज। अरे विराट यार क्या बताएं यार, पाकिस्तान से हार के बाद दिमाग खराब कर गया है मेरा तो। अरे हमने ओपनिंग में इतनी अच्छी शुरुआत दी थी कि दो स्कोर हमारा 200 से पार जाता। अरे हमने 5 ओवर में भैया 50 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे, लेकिन क्या करें भैया, कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया तुम्हारे सिवा। ये भैया अपने पांड्या देखो कैसे दांत फाड़ रहे हैं, और ये देखो भैया अपना सूर्या, अरे इनका थोड़ा सा भी बल्ला चल जाता तो हम ये मैच हारने की नौबत ही नहीं आती। और भैया बाकी कसर हमारे गेंदबाजों ने पूरी कर दी, क्या बेकार की गेंदबाजी करी भैया उसने अपने भुवनेश्वर ने, 19वां ओवर ऐसा कटवा दिया भैया, उस हार की वजह से हमारी पूरी टीम में दिक्कत आ गई है। चलो आज का मैच में देखते हैं, श्रीलंका को हराना बहुत ही जरूरी है, अगर हम श्रीलंका को नहीं हरा पाए तो भैया हमारा तो पत्ता यहाँ से कट चुका है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन टीम को थोड़ा सही ढंग से चयन करना पड़ेगा, मुझे लगता है अक्षर पटेल को भी आज रखना पड़ेगा, और एक गेंदबाज और एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा, और ये अपने पंत वंत को बाहर करो, डीके को अपने अंदर खिलाएंगे। अरे